हेलो गाइस, आज है साल का पहला दिन 2022 स्टार्ट हो चुका है, तो बड़ा साल हो आप सबके लिए और मेरे लिए भी 2021 बहुत बढ़िया हुआ और कोशिश करते हैं 2022 उससे भी बढ़िया हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 2022 में आप जल्दी से जल्दी क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है जो पिछले कुछ सालों में हमारे साथ नहीं थी पर इन सालों में हमारे साथ भी है और आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में, तो बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो पहले दिन ही बना रहा हूँ साल के, पूरा साल अभी बचा हुआ है, तो पूरे साल आप कैसे अपने आप को तैयार करें इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं गाइस 2000 लाइक का, पहला दिन है आप अचीव करा दोगे, आप पहले भी जो टारगेट बोले थे उनको अचीव करा देते हो, ये भी आप अचीव करा दोगे। अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस अब मेरे साथ आने वाले हैं मेरे 3 जूनियर्स जो आपको एक एक करके बताएंगे कि 2022 में जिन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी क्रिकेटर बनने के लिए, और जो लास्ट हमारी टिप्स होगी और जो लास्ट जूनियर रहेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो हमने पिछले कुछ सालों में ध्यान नहीं दिए, और इस साल आप ध्यान दोगे तो 100% आप क्रिकेटर भी बनोगे और जल्दी से जल्दी स्टेट भी रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले आ रहे हैं साहिल। साहिल भी 2021 की पहली वीडियो मेरे साथ थे और अभी मेरे साथ हैं, तो इनसे पूछेंगे पहले क्या टारगेट इन्होंने उस टाइम सेट किए थे और क्या अचीव किया अब तक और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या टारगेट है, उसके बाद बताएंगे टिप्स जो इन्होंने सोचा हुआ है कि मैं करूंगा, और हमारी बात भी होती रहती है। तो क्या आपने सोचा था पिछले साल? तो गाइस पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर विशाल भाई की यूट्यूब फैमिली को, और आप सब एंजॉय करें इस ईयर को, सब अपने गोल अचीव करें। तो गाइस जो मेरा 2021 था वो उसमें मैंने पिछले साल आपके साथ में वीडियो में आया था उसमें अपना टारगेट बताया था, वो टारगेट मैंने अचीव भी किया। उसमें विशाल भाई मेरा टारगेट ये था कि मुझे सीनियर टीम में जगह बनानी थी और टूर्नामेंट्स खेलने, सीनियर टीम में मैंने जगह बनाई अपना परफॉर्मेंस दे के, हार्ड वर्क करके सीनियर टीम में जगह बनाई। उसके बाद 2-3 टूर्नामेंट हो गए, अब इस बार जो सीजन चला है दिनों चारों टूर्नामेंट में मैं टीम से आता हूँ और उसमें प्लेइंग भी मिल रही है गाइस। तो बहुत बड़ी बात है भाई, जो सोच रहा था इसने अचीव भी किया, और अब इस साल आगे का क्या टारगेट है, आपने जो बोला था वो अचीव कर लिया, आगे का क्या टारगेट है आपका? तो गाइस आगे का मेरा टारगेट ये है कि बस मुझे 2022 में अपने आपको और इम्प्रूव करना है और ट्रायल में अलग ही दिखना है और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। 23 में 19 में सिलेक्ट नहीं हो पाया, उसमें मेरे साथ थोड़े इश्यूज थे, मैं नहीं अच्छा कर पाया, क्या हुआ वो सिलेक्टर को आई डोंट नो, पर मैं अब 2022 में अपने आपको स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और स्टेट के लिए, इंडिया के लिए अपनी अकेडमी का नाम, विशाल भाई का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ गाइस। तो गाइस हमारे बीच में एक नई चीज जुड़ी है पिछले 3 साल से, वो है कोरोना। उसकी वजह से हम 2022 में एक और सबसे नई चीज सीख सकते हैं, वो हमारा ऑनलाइन और सोशल मीडिया से हम बहुत कुछ अपने क्रिकेट लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब हमें टाइम मिलेगा ग्राउंड पे आने का। तो साहिल ने जो आपको बताया गाइज, ये चीज़ें मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, जब से कोरोना आया सब चीज़ें ऑनलाइन आ गई है, सारे आप देख सकते हो, सब क्लासेज ऑनलाइन हो रही है और हम ग्राउंड पे जाके जो नहीं सीख सकते, आप देख सकते हो बड़े बड़े क्रिकेटर सभी अपने यूट्यूब चैनल है सबका, मेरा भी है, मेरे से बहुत कुछ सीखते हो। तो साहिल जैसे बता रहा है ऑनलाइन इसने बहुत चीज़ें सीखी, जैसे मुझे बात करता रहता है, और आप भी सीख सकते हो। आप घर हो तो आप पूरा टाइम अपना वेस्ट ना करो कि आपने पूरा टाइम इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में निकाल दिया, आप अच्छी चीज़ें देखो, अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हो ना तो अच्छी चीज़ें देखनी सीखनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ आ रहे हैं हर्ष, जो दूसरे मेरे जूनियर है, वो आपको बताएंगे क्या आप एड ऑन कर सकते हो इस 2022 में। तो गाइज हैप्पी न्यू ईयर सबको, होप टू ये साल आपका पिछले वाले साल से अच्छा जाए। तो अगर इस साल आपको जल्द से जल्द क्रिकेटर बनना है तो पिछले साल 5 से 6 महीने हमारे कोरोना नहीं लिए, तो उस वजह से सब भाई लोग क्या करते हैं, मैच तो मुश्किल से ही ज्यादा से ज्यादा खेल नहीं पाए होंगे। तो इस साल क्या कोशिश करना, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी चीज पिछले साल सीखने को मिलेगी क्योंकि बहुत अच्छा साल गया, बहुत ग्रो करा होगा आपने, क्योंकि उसके साथ क्रिकेट में भी आपने ऑनलाइन भी देखा होगा ये वो, पर वो आप ये सब इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे, मैच में ही तो करोगे। तो इस साल जितने से जितने हो सके मैच खेलना, जितने आपको मैच मिले, छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि कोई मैच छोटा बड़ा नहीं होता, आपको चाहे टूर्नामेंट्स के मैचेस मिले, प्रैक्टिस मैचेस मिले, जितने ज्यादा मैच खेलोगे आप, क्योंकि मैच से ही ग्रो करोगे। सारी प्रैक्टिस आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप वो अपनी मैच में इंप्लीमेंट कर सको। तो हर जैसे आपको बता रहा है, बहुत बड़ी बात इसने बताया, क्या होता है हम देखते हैं ऑनलाइन भी देख लेते हैं, हमारे कोचेज भी हमको बता देते हैं, पर हम इंप्लीमेंट नहीं करते, मतलब सोचते हैं कि हाँ कर लेंगे, पर आपको वही चीज़ इंप्लीमेंट करनी है मैच में जाके। आप प्रैक्टिस अच्छे से करो, फिर मैच में जाओ और वो चीज़ इंप्लीमेंट करो। जैसे आपने ड्राइव सीखे, आपने सोच रहे हो कि ऐसे डिफेंस करके रन लूंगा, पर वो इंप्लीमेंट भी तो करो। तो वो आपको इस साल क्या करना है, आपने मेरी वीडियो से पिछले 1 साल से सीख ही रहे हो, देख रहे हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने भी स्टार्ट कर दो, वही आपको चेंज करेंगे। मेरी जो बैटिंग, मेरी परफॉर्मेंस या हर्ष की ले लो, मैच खेलने के अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टारगेट करो कि इस साल मुझे ज़्यादा मैच खेलने सीखना भी है, जो टाइम मिले और ज़्यादा मैच खेलने। आप हफ्ते में 2 से 3 मैच ज़रूर खेलो, चाहे कोई भी मैच हो, प्रैक्टिस मैच हो, टूर्नामेंट का मैच हो, बिल्कुल भी मना मत करो, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको चेंज करना है। तो हर्ष आपका क्या टारगेट है 2022 में, आप क्या सोच रहे हो कि मुझे क्या, एक तो मैच आपने बता दिया जैसे ज़्यादा खेलोगे, उसके बाद क्या सोच रहे हो? और भैया मैं इस साल ये सोच रहा हूँ कि एक तो मैं जितने भी मैच हो सके वो क्या कहते हैं क्वालिटी मैचेस खेलूँ,
जिससे मैं थोड़ा अपना नाम बना पाऊँ, वो मुझे सिलेक्शन प्रोसीजर में भी हेल्प करेगा। मेरा इस साल ये मोटिव है कि मैं उत्तराखंड की क्रिकेट में अपना नाम बना सकूँ। स्टेट को रिप्रेजेंट करने से पहले भी जब मेरा नाम होगा तो इससे मुझे लोग जानेंगे भी, जैसे मैं अभी मुझे हरिद्वार में जानते हैं, रुड़की में जानते हैं, पर उत्तराखंड के और डिस्ट्रिक्ट जैसे देहरादून इधर उधर मुझे पहाड़ों में नहीं जानते। तो पहले भैया मेरा इस साल का ये मोटिव रहेगा कि मेरा थोड़ा नाम जितना भी है उससे डबल हो जाए, मेरा नाम फैले, मैं थोड़ा अपना नाम बनाने पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो उसके लिए टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा, जैसे बता रहे टूर्नामेंट खेलेंगे तो अपना हर्ष भी अच्छा सोच रहे हैं साल। और स्टेट का क्या सोच रहे हो कि कहाँ तक जाने की, क्योंकि सोचेंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, तो क्या आपका टारगेट है कि स्टेट खेलने का लग रहा है साल? हाँ भैया, सबसे पहले तो स्टेट में जाने से पहले तो अपनी गेम को इम्प्रूव करना देखूंगा। पिछले साल भी बहुत गलतियाँ थी, अभी भी बहुत गलतियाँ हैं, ये सारी सुधारूंगा, अपने गेम का लेवल ऊपर बढ़ाऊंगा। अगर मैं अपने गेम का लेवल ऊपर बढ़ाऊंगा तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, उससे मुझे और ज़्यादा लगेगा कि हाँ मैं इस साल स्टेट खेल सकता हूँ। 25 भैया मैं हो ही गया हूँ, क्योंकि मतलब अंडर 25 की कैटेगरी में आता हूँ मैं, तो भैया 25 के साथ मैं सीनियर की प्रिपरेशन भी करूँगा, क्योंकि 25 खेलने वाले मतलब सीनियर में भी खेल सकते हैं। तो भैया अपने पहले तो गेम का लेवल बढ़ाना है और उसके बाद भैया स्टेट तो खेलना ही है। तो बहुत अच्छी बात आपने सुनी होगी जो हर्ष ने बोली, तो ये बहुत ज़रूरी है मैच खेलना ज़्यादा से ज़्यादा। अब आएंगे, हर्ष को जाने देते हैं, प्रैक्टिस कर रहा है। अब मेरे साथ आएंगे अगले जो मेरे जूनियर हैं। अब मेरे साथ आ गए हिमांशु, और जो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके 2022 में एड ऑन होना चाहिए, जो बहुत भाई बोलते हैं पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो ये जो हिमांशु आपको बताने वाला है इससे आप गारंटेड समझ जाओगे कि क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। तो हिमांशु आप बताओ जो तीसरा पॉइंट है हमारा। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, और आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। तो तीसरा पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब जैसे कि मैं एक प्लेयर हूँ तो मुझे अपने गेम का पता होना चाहिए कि मतलब मेरा गेम इम्प्रूव किस लेवल पे हो रहा है, किस लेवल पे नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जैसे एक प्लेयर की मतलब एक प्लेयर के लिए 10 बॉक्स मान लो, जैसे 10 बॉक्स होते हैं कि पहला डिसिप्लिन हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया, ऐसे करके। तो वो 10 बॉक्स में से आपको 10 बॉक्स जब तक टिक नहीं होंगे, वो 10 बॉक्स जब तक टिक नहीं होंगे आपके, तो आप मतलब एक अच्छे प्लेयर उसमें नहीं हो। तो हिमांशु बहुत तगड़ी बात बता रहा है, आपको मैं बताऊँ ये बोल क्या रहा है। ये बता रहा है कि हमारे क्या होता है, इसने नोटबुक बनाया, इसने बताया मुझे आ जाके भैया कि मैंने ये सोचा हुआ है। तो इसने बताया भैया मैंने एक नोटबुक बनाई है, उसमें 10 बॉक्स किए हुए हैं, उसमें क्या हुआ है हमारा होता है एटीट्यूड हुआ हुआ है, इसमें डिसिप्लिन हुआ हुआ है इसमें, और बाकी पूरे 10 के 10 अगर आपको जानना है आप इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हो। बाकी इसने जो अच्छे प्लेयर बनने के लिए 10 क्वालिटी होती है ना, वो इसने बॉक्स बनाए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, जब तक मैं 10 के 10 बॉक्स टिक नहीं होते हैं, मतलब राइट का निशान नहीं आ रहा है उनके सामने, तो आप समझ जाओ कि वहाँ आपके अंदर कमी है। जैसे उसमें परफॉर्मेंस ले लो, आपके पिछले 2 मैच में या 3 मैच में किस में 50 है, उसमें ले लो आपका बिहेवियर, आप कैसा दूसरे प्लेयर के साथ, कोचेज के साथ, और तीसरा ले लो आपकी फिटनेस, ये सब चीज़ें, एटीट्यूड हो गया आपका, टाइम टेबल हो गया आपका, ये सब चीज़ें अगर आप टिक मार्क नहीं कर रहे हो तो आप भूल जाओ क्रिकेटर बनना। और उसके लिए आपको रोज 15 दिन के बाद चेक करना है कि मैं इसमें फिट बैठ रहा हूँ या नहीं। अगर हाँ आप बैठ रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप जल्दी जल्दी क्रिकेटर बन सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो उस पर काम करना है। जोन सा भी बॉक्स आपका टिक नहीं हो रहा है, चाहे उसमें एटीट्यूड हो गया आपका, बिहेवियर हो गया आपका, डरना हो गया आपका, या आपका कोचेज के साथ बात करना हो गया, कुछ भी आप ले सकते हो ओवरऑल, आप मैच कितना खेल रहे हो सब कुछ, आप एक अपना टारगेट टिक लो और बॉक्स लगा लो, 15 दिन के बाद उसमें टिक मार्क करते रहो कि हाँ ये मेरा पूरा है, मेरे 10 बॉक्स कंप्लीट है। तो जब जाके आप सही राहों में, आप कभी भी क्रिकेट खेल सकते हो, आप में सारी क्वालिटी है। अगर टिक नहीं हो रहे आपके 2-3 बॉक्स में टिक नहीं हो रहे, तो समझ जाओ आपको इम्प्रूव करना है, उन चीज़ों पे काम करना है, जब भी जाके आप खेल सकते हो, जैसे हिमांशु बता रहे हैं। तो आपने नोटबुक इसी साल सोचा कि इनोवेशन है, मुझे नोटबुक बनाना है ऐसे? मतलब मैंने सोचा था, एक प्लान करा था कि अब जैसे 2021 ये एंड हो रहा था कि अब कुछ नया करता हूँ अपने लिए, तो नोटबुक बनाया, और फिर अब मैं हर 10-15 दिन में पहले भी चेक करता था और अब भी कर रहा हूँ कि ये जो 10 बॉक्स है ये एकदम से नहीं होंगे भैया, मतलब इसमें टाइम लगेगा, 15 दिन हर चेक करो, 10 दिन में चेक करो, एक बॉक्स पूरा होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, वो एकदम से नहीं होंगे। और फिर आपकी आदत बन जाएगी, जब आप बॉक्स मतलब ऐसे देखने की आदत डालोगे ना, आपकी आदत बन जाएगी कि हाँ मेरा एटीट्यूड वाला बॉक्स है भाई, उसे भी मुझे फिल करना है, फिर मेरा परफॉर्मेंस भी है भाई, मुझे 3 मैच में, और 3 मैच तो आप मान लो 15 दिन के अंदर ही मिलेंगे, तो वो भी आपको टिक करना पड़ेगा, तो वो आपकी आदत बन जाएगी कि हाँ मुझे टिक करना है पहले, उसके बाद। क्योंकि क्या होता है, बहुत भाई ये बोलते रहते हैं भाई मैं पता नहीं क्यों नहीं खेल रहा हूँ, पैसे की वजह से नहीं खेल रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं, भाई सबसे पहले आप देख लो आपकी बॉक्स टिक है नहीं, आपकी परफॉर्मेंस है, आपका एटीट्यूड है खेलने का, तो वो सब चीज़ है तो आप खेल सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप बोले ही मत किसी को। तो जैसे हिमांशु बता रहे हैं सबसे बढ़िया, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने लास्ट में हिमांशु को बुलाया और आप सबको बताने की कोशिश की, क्योंकि फैमिली हो भाई, नया साल है, आपको भी कुछ अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए मेरी वीडियो से, तो होप करता हूँ अच्छी वीडियो मिली होगी, और हिमांशु ने भी आपको बता दिया। तो अब यहीं पे
इस वीडियो को एंड करते हैं और जो टारगेट रखा था वो भी आपको अचीव कराना है लाइक का, और कमेंट कर दो आपके क्या टारगेट से 2022 में, और लास्ट में फिर पूछेंगे अचीव किया नहीं। तो इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल, वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हो। पूरे 10 बॉक्स की मैं वहाँ पे आपको लिस्ट बना के सेंड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना या मैं स्टोरी डाल दूंगा वहाँ पे, आप मुझे बस मैसेज याद आना चाहिए, मैं जब ही डाल दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस। हमें सोचना चाहिए 2022 के लिए। क्या कर रहे हो अभी यार, बोला जा रहा है यार।